जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्लैशर फिल्म हंट क्लब के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की शुरुआत में हमें कसांद्रा नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक होती है, मानो कि वो किसी ट्रॉमा से गुजर रही हो। जब वो घर जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास जाती है तो कुछ बंदे उसे घेर लेते हैं। वो उसके साथ गलत करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर टेस नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि उन लड़कों को मार गिराती है और कसांद्रा की जान बचाती है। कसांद्रा सब देखकर बहुत ही डर जाती है क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की को इतना ब्रूटली मारते हुए देख रही थी। वो उसे शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए, और उसके बाद टेस उससे कहती है कि वो उसके साथ चले। अब दोस्तों ये आपको आगे पता चलेगा कि कसांद्रा के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी शराबी बन गई थी। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां एक फादर और सन का डुओ दिखाया जाता है जिनके नाम होते हैं कार्टर और जैक्सन। कार्टर अपने बेटे से कह रहा होता है कि अब वो बड़ा हो गया है और वो उसे अपने साथ एक आइलैंड पे ले जा रहा है ताकि वो वहां पे कुछ दिलचस्प एक्टिविटी कर सके। जैक्सन उसे कहता है कि उसे वहां पे नहीं जाना है, तो वो उसे बताता है कि वो उसे एक आइलैंड पे लेके जा रहा है जहाँ पे उसे हंट करना होगा और उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। जैक्सन भली भांति जानता था कि उसके पिता किस हंट के बारे में बात कर रहे हैं। तभी उसी रेस्टोरेंट में कसांद्रा और टेस आती हैं, और कसांद्रा जब जैक्सन की तरफ देखती है तो वो उसे स्माइल पास करती है। ये देखकर टेस उसे भड़क जाती है और वो वहां से चली जाती है। कार्टर देखकर जैक्सन से कहता है कि वो उस लड़की के पास जाए और उसे अप्रोच करे, और हिम्मत करके जैक्सन कसांद्रा के पास जाता है और उसे अप्रोच करता है। कसांद्रा उनके साथ बैठ जाती है और वो तीनों बातें करने लगते हैं, जहाँ कार्टर उससे पूछता है कि वो लड़की कौन थी। तो कसांद्रा उसे बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। कार्टर उससे पूछता है क्या वो उनके साथ वीकेंड स्पेंड करने आएगी। तो कसांद्रा उनसे पूछती है कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं। कार्टर उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो आइलैंड पे जा रहा है हंट करने के लिए, और जो भी वहां पे सबसे ज्यादा हंटिंग करता है उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। उसकी ये बात सुनकर कसांद्रा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है और वो उनके साथ चलने के लिए राजी भी हो जाती है। वो दोनों कसांद्रा को अपनी कार में बैठाते हैं और बीच की ओर निकल जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि उनके कुछ और दोस्त वहां पे मौजूद हैं और वो भी अपने साथ एक लड़की को लेकर आए थे। कसांद्रा उस लड़की से उसका नाम पूछती है तो वो उसे अपना नाम लेक्सी बताती है, और उसे कहती है कि ये बंदे उसे ऑनलाइन मिले थे जहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो इसे एडवेंचर्स कराएंगे, इसीलिए वो उनके साथ अपना वीकेंड स्पेंड करने आ गई है। कसांद्रा उसे बताती है कि उसके साथ भी ये सेम चीज हुई है, वो लोग उन्हें रेस्टोरेंट में मिले हैं और वो उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। उसके बाद ये सभी बोट में बैठते हैं और आइलैंड पे जाने के लिए निकल जाते हैं। जब आइलैंड पे पहुंचते हैं तो वो उन दोनों लड़कियों से अपने और दोस्तों से मिलवाते हैं जो कि काफी रिच दिख रहे थे, और वो सभी उनका स्वागत करते हैं। कार्टर उन्हें बताता है कि ये सभी हंटर्स हैं और वो इस आइलैंड पे आके ढेर सारी हंटिंग करते हैं और ढेर सारे पैसे जीतते हैं। उसके बाद कार्टर अपने बेटे से कहता है कि वो कसांद्रा को बीच पे लेके जाए, और वो दोनों बीच पे जाते हैं और वहां पे बातें करने लगते हैं। जैक्सन कसांद्रा से कहता है कि उसके पिता चाहते हैं कि वो एक मर्द बने, इसीलिए वो उसे यहां पर लेकर आए हैं ताकि वो हंटिंग कर सके। कसांद्रा उससे कहती है कि किसी जानवर को मारना कोई मर्द का काम नहीं होता, बल्कि असली मर्द वो है जो कि एक जेंटलमैन है और सबको समझे। रात को हम कार्टर को देखते हैं जो कि कंट्रोल रूम में होता है, और हम उसके कई सारे बिडर्स को देख पाते हैं जो कि लड़कियों पे बिडिंग कर रहे थे। वो डार्क वेब के थ्रू एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर रहे थे, और उन लड़कियों को वहां पे हंट करने के लिए लाया गया था जिसके बारे में कसांद्रा और लेक्सी को पता ही नहीं था। वो सभी अपनी शर्त लगाते हैं तो कार्टर उनसे कहता है कि आज रात से ही वो लोग हंटिंग शुरू कर रहे हैं। उसके बाद कार्टर अपने दोस्त वर्जिल के पास जाता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक इंसान था और वहीं यहाँ पर ये क्लब चलाया करता था। उसके बाद वो सभी क्लब मेंबर्स मीटिंग करते हैं जहाँ पे वो वाइन पीते हैं, और वहाँ पे कसांद्रा और लेक्सी को भी इन्वाइट किया होता है। कसांद्रा वहाँ पे लटके हुए कई सारे डियर्स देखती है, और वहाँ पे एक तरह का मास्क भी होता है तो वो उसके बारे में पूछती है। कार्टर उसे बताता है कि उनके लिए ये मास्क बहुत ही कीमती है, और हर साल जो हंटिंग में सबसे ऊपर आता है उसे ये मास्क मिलता है। उसके बाद लेक्सी उन दोनों लड़कों के साथ बेडरूम में चली जाती है, और कसांद्रा जैक्सन को लेकर अपने रूम में जाती है ताकि वो उससे कुछ बातें कर सके। वहीं पे हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जिन्हें बांध के रखा गया था, और उन लोगों को भी फंसा के वो लोग लाए थे ताकि वो उनका हंट कर सके। वहां वर्जिल अपने आदमी के साथ जाता है और चूज करता है कि कौन सी दो लड़कियां पहले हंट करी जाएंगी। वो दो लड़कियों को रिलीज कर देता है और उनसे कहता है कि वो यहां से भागे, और उन सबको अगली सुबह तक उन्हें पकड़ना है ताकि वो उन्हें जान से मार सके। ये सुनते ही वो दोनों लड़कियां वहां से भागने लगती हैं, और वर्जिल अपने कुत्तों को उनके पीछे भेज देता है उन्हें पकड़ने के लिए। उसके बाद ये सभी हंटर्स मीटिंग करते हैं जहां उन्हें बताया जाता है कि उन्होंने दो लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया है और अगली सुबह तक उन्हें उनका हंट करना है। उन्होंने जंगल में कई सारे कैमराज भी लगाए हुए थे ताकि उनके डार्क वेब के व्यूअर्स वो सब देख पाए। इधर लेक्सी जब उन दोनों लड़कों के साथ रूम में होती है तो वो उनसे कहती है कि अब वो सोना चाहती है, लेकिन वो दोनों बंदे उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उसका शोषण करते हैं। इधर कसांद्रा जैक्सन के साथ बात कर रही होती है, और वो उसे कहती है कि लेक्सी उसे बता रही थी कि वो लोग उसे ऑनलाइन मिले थे, और सभी वो लोग इत्तेफाक से ही मिले हैं तो उसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। जैक्सन उससे कहता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। कसांद्रा उससे पूछती है कि यहाँ पे क्या और भी लड़कियां आ चुकी हैं ऐसे ही, तो जैक्सन उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर वो बंदे उन लड़कियों को हंट करने के लिए निकल जाते हैं, और जब वो लड़कियां भाग रही होती हैं तो एक लड़की का पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है, और दूसरी लड़की उसकी मदद करने के लिए जाती है। वो उस बेयर ट्रैप को खोल देती है और तभी उसका पैर कट जाता है, और वो बंदे कार लेकर वहां
तक पहुंच जाते हैं और उस लड़की को जान से मार डालते हैं। ये देख के दूसरी लड़की वहां से तुरंत भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ती है, वैसे ही एक बंदा उसके पेट में भाला घुसा देता है, जिससे उस लड़की की भी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर जैक्सन कैसांड्रा से उसके टैटूज के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताती है कि टेस ने उसके लिए ये टैटू बनाया था। जैक्सन उससे पूछता है कि आखिर टेस उसके इतना करीब क्यों है, तो वो उसे बताती है कि टेस ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। कैसांड्रा उसे ये भी बताती है कि उसकी एक टीनेजर बेटी थी जो कि अपने पिता के साथ ही रहा करती थी, क्योंकि उसके पिता और उसका डाइवोर्स हो चुका था। एक दिन उसकी बेटी ऑनलाइन एक लड़के से मिली और वो उसके साथ वीकेंड स्पेंड करने के लिए घूमने के लिए गई थी, लेकिन तब से ही वापस नहीं आई और उसने आज तक उसे देखा ही नहीं। उसने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली, और अंत में हार मान के उसने दारू पीना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक दिन जब कुछ बंदे उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो टेस ने वहां पे आके उसकी जान बचाई थी। कैसांड्रा रोने लगती है और अपनी बेटी को याद करती है। दोस्तों, उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि वो यहाँ पर अपनी बेटी को ही ढूंढने के लिए आई थी। वो जानती थी कि जरूर उसकी बेटी वीकेंड स्पेंड करने के लिए यहीं पे आई होगी। जैक्सन को ये भी बताती है कि उसकी बेटी ने पेयर ऑफ ब्रेसलेट खरीदे थे, और एक उसने उसे पहनाया था और एक वो खुद पहनती थी। ये सुनकर जैक्सन उसे गले लगा लेता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। जब वो घर के बाहर जाती है, तो वहां पे कार्टर उससे मिलने के लिए आता है, क्योंकि उससे कहता है कि वो तैयार हो जाए हंट के लिए। तभी उसका आदमी पीछे से आता है और उस पर वार करके उसे बेहोश कर देता है, और उसके बाद वो कैसांड्रा को उठा के ले जाता है और उसे बांध देता है। इधर टेस कैसांड्रा को ढूंढते हुए उस आइलैंड तक पहुंचती है, क्योंकि वो वहां पर प्लान के मुताबिक आई थी ताकि वो कैसांड्रा की जान बचा सके। टेस वहां पे उनके दो पहरेदारों को देखती है, तो वो उनको जान से मार डालती है, और उसके बाद वो आगे बढ़ती है कैसांड्रा की मदद करने के लिए। इधर उन दोनों लड़कों ने लेक्सी को बांध रखा होता है और वो बार बार उसका शोषण किए जा रहे थे। इधर कैसांड्रा की जब आंखें खुलती हैं, तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और देखती है कि उसके साथ कई सारी लड़कियां हैं जिन्हें उन लोगों ने बंदी बना रखा है। उन लड़कियों से पूछती है कि आखिर वो लोग उनके साथ क्या करेंगे, तो लड़कियां उसे बताती हैं कि वो उनके लिए एक जानवर है और वो लोग सुबह होते ही उन्हें रिलीज कर देंगे और जंगल में उनका हंट करेंगे। इसलिए कैसांड्रा उनसे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। उसके बाद वो उन लड़कियों को अपना ब्रेसलेट दिखाती है और उनसे पूछती है कि क्या इसी सेम ब्रेसलेट वाली कोई लड़की यहाँ पर आई थी, तो वो लोग उससे कहती है कि उन्हें ढंग से याद नहीं है। अगली सुबह कार्टर, वर्जिल और उसके सभी साथी तैयार हो जाते हैं अपनी पोजीशन लेकर। कार्टर अपने बेटे से कहता है कि उसे लड़कियां सेलेक्ट करनी होंगी, और वो वर्जिल के साथ लेकर उसे उन लड़कियों के पास जाता है। वो उसे लड़कियों को सेलेक्ट करने के लिए कहता है, तो जैक्सन वहां पे दो लड़कियों को सेलेक्ट करता है, लेकिन कार्टर उसे कहता है कि वो भली बात ही जानता है कि वो कैसांड्रा को सेलेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वो अपनी तरफ से कैसांड्रा को सेलेक्ट कर रहा है। वो एक ब्लैक वुमन और कैसांड्रा को सेलेक्ट करते हैं और उन दोनों को रिलीज कर देते हैं उनकी जान बचाने के लिए। उसके बाद डार्क वेब में मौजूद लोग उन लड़कियों पे बिडिंग लगाने लगते हैं कि सबसे पहले वो लोग किसे पकड़ेंगे। जैक्सन अपने पिता से कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकता, तो उसका पिता उससे कहता है कि वो उसका बेटा है, तो वो मर्द की तरह बात करे। वो उसे मोटिवेट करता है उन लड़कियों का हंट करने के लिए, और जैक्सन अपना हथियार लेकर जंगल की ओर आगे बढ़ता है। इधर लड़की कैसांड्रा से कहती है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में भागेंगी तो वो जल्दी पकड़ी जाएंगी, तो उन्हें स्प्लिट हो जाना चाहिए और अलग अलग जाना चाहिए। कैसांड्रा उसे मना करती है कि वो ऐसा ना करे, तीनों लड़की उसकी नहीं मानती और वहां से जाने लगती है। जब वो लड़की आगे भाग रही होती है, तो अचानक उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे एक नुकीली चीज जमीन से निकलती है और उसके पेट में गड़ जाती है। तभी जैक्सन वहां पर आता है और वो लड़की उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन इससे पहले जैक्सन कुछ कर पाता वो लड़की मारी जा चुकी थी। तभी कैसांड्रा वहां पर आती है और जैक्सन को देखकर उससे कहती है कि वो किसी को भी हंट ना करे, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है और वो जेंटलमैन बने। वो कैसांड्रा को शूट करने वाला होता है, लेकिन उसकी बात मान के वो ये नहीं करता। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आती है कि उसे मर्द बनना है, इसीलिए वो उसे शूट करता है, लेकिन कैसांड्रा वहां से भाग निकलती है। कैसांड्रा भागते हुए जंगल में एक जगह पे पहुंचती है, जहां से उसे बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। जब वो उस जगह के अंदर जाती है, तो उसे वहां पे कई सारी लड़कियों की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो पहले कई सारी लड़कियों को मार चुके हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है, और तभी उसे अपनी बेटी की ग्रेव मिलती है, जिसके ऊपर उन लोगों ने उसका ब्रेसलेट टांग रखा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है। तभी वहां पे टेस आ जाती है, जो कि उसकी मदद करने आई थी, और उसे रोता हुआ देखकर वो उसे गले से लगा लेती है और उसे शांत कराती है। तभी वहां पे जैक्सन भी आता है उन्हें ढूंढते हुए, और टेस अपने साथ जो गन लेकर आई थी वो उस पे तान देती है, इससे जैक्सन डर जाता है और वो अपने घुटने टेक देता है। टेस वहां से चली जाती है और उससे कहती है कि वो उसे जान से मार दे। कैसांड्रा उस पे गन तानती है और वो अपनी जान की उससे भीख मांगता है। उसे कहता है कि उसने आज तक किसी भी लड़की को यहाँ पे नहीं मारा है। तभी कैसांड्रा वहां पे शूट करती है और हम जंगलों में उसकी गोली चलने की आवाज को सुन पाते हैं। उसके बाद चार हंटर जब बाहर होते हैं, तो कैसांड्रा और टेस मिलके एक एक करके उन चारों को मार गिराती हैं। उसके बाद वो दोनों वर्जिल के पास जाती हैं उसे जान से मारने के लिए, लेकिन वर्जिल जब उन्हें अपने घर में देखता है, तो वो टेस को बुरी तरह पीटने लगता है। तभी कैसांड्रा वहां पे आके उस पे गन तान देती है और उसके पैर में शूट कर देती है। तो वर्जिल उससे कहता है कि वो जानता है ये लड़की यहाँ पे आई थी जो कि उसकी बेटी थी, और उसने उसे तड़पा तड़पा के मारा था। सुनकर कैसांड्रा को गुस्सा आता है और वो चाकू से उसका गला काट के उसे मार डालती है। इधर दोनों लड़के अभी भी रूम में होते
होते हैं लेक्सी के साथ और उन लोगों ने लेक्सी को बांध के रखा था। एक लड़का बाहर जाता है पेशाब करने के लिए तो टेस उसके सामने आके उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डालती है, जिससे उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद कसांद्रा उससे कहती है कि वो कार्टर को ढूंढने जा रही है और टेस लेक्सी के पास जाती है उसकी जान बचाने के लिए। इधर कसांद्रा जब कार्टर के कंट्रोल रूम में पहुंचती है तो उसे वहां पे नहीं पाती, लेकिन तभी कार्टर पीछे से आके उस पे हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इधर टेस लेक्सी को छुड़ा देती है और वो बंदा जब वहां पर आता है तो वो उस पे गन तान देती है और वो लेक्सी से कहती है कि इन्होंने जो उसके साथ किया है वो सेम उसके साथ करे। लेक्सी एक चाकू उठाती है और उस बंदे का प्राइवेट पार्ट काट डालती है, जिससे उस बंदे की भी मौत हो जाती है। इधर कसांद्रा की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और कार्टर उससे कहता है कि उसे क्या लगा वो उसे जिंदा छोड़ेगा। वो उससे पूछता है कि उसका बेटा कहां पर है तो वो उससे कहती है कि उसके बेटे को वो पहले ही मार चुकी है। ये सुनकर कार्टर उसे मारने के लिए जाता है तो वो अपने सर से उसकी नाक फोड़ देती है और उसके बाद वो अपने आप को छुड़ा के उसकी गन छीन लेती है और उस पे तान देती है। वो उसे बांध के उन लड़कियों के पास ले जाती है जिनको उसने बंदी बना रखा था और टेस भी वहां पर आ जाती है और उनको ढेर सारे पैसे देती है और उन लड़कियों से कहती है कि अगर उन्हें पैसे चाहिए तो वो इस आदमी को जान से मार डालें। उन लड़कियों के अंदर बदला लेने की पहले से ही भावना थी तो वो अपने औजार उठाती हैं और कार्टर को बुरी तरह पीट के उसे जान से मार डालती हैं। उसके बाद टेस लेक्सी और कसांद्रा वहां से बाहर निकलती हैं और कसांद्रा के हाथ में एक बुक देखकर टेस उससे पूछती है कि आखिर ये क्या चीज है तो वो उसे बताती है कि इसमें हर उस बंदे का नाम है जो कि इसमें शामिल है। डार्क वेब के थ्रू वो उनको देखते हैं हंट होते हुए। प्लान है कि वो हर कंट्री में जाके एक एक करके सबको मार डालेगी और इस काम में वो दोनों उसका साथ देंगी। लेक्सी उससे पूछती है कि आखिर वो लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी वहां पे जैक्सन आता है जो कि एक बोट लेकर आया था और कसांद्रा उनसे कहती है कि उसने जैक्सन को मारा ही नहीं था क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है और उसे पता है कि सही और गलत क्या है, इसलिए उसने चूज किया उनका साथ देने के लिए। वो लोग उसकी बोट में बैठ जाती हैं और उस आइलैंड पे आग लगा के वो तीनों वहां से बाहर निकल जाती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी दिलचस्प कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों बहुत दिनों बाद कुछ ऐसी फिल्म आई है जो कि बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है तो आप इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों कसांद्रा ने यहाँ पे पूरी प्लानिंग करी थी उन बंदों तक पहुंचने के लिए क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी जरूर ऐसे ही किसी ट्रैप में फंसी होगी, इसीलिए उसने अपने आप को ही उसी ट्रैप में फंसाया और कार्टर से उसने बातचीत करी और कार्टर उसे अपने आइलैंड पे ले गया जहाँ पे उसने उसका हंट करना चाहा लेकिन वो लोग खुद ही हंट हो गए क्योंकि टेस और कसांद्रा ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। कसांद्रा वहाँ पे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए गई थी लेकिन उसकी बेटी पहले ही मारी जा चुकी थी जिसका बदला उसने उन लोगों से लिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।